ओम साई राम। बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर बात सिखाई थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा ये कहते हैं कि हर इंसान एक कमल के फूल की तरह है जिसकी हजार पर पंखुड़ियाँ हैं। एक बहुत सुंदर कमल का फूल, हजार सुंदर पंखुड़ियों वाला। और जब भी वो इंसान कोई अच्छा कर्म करता है, अच्छी बात करता है, तो पंखुड़ियाँ और खूबसूरत और सुंदर और प्यारी हो जाती हैं। पर जब वो कभी बुरे कर्म करता है तो वो पंखुड़ियाँ काली हो जाती हैं, बुरी हो जाती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म में फर्क क्या है। अच्छा कर्म वो जो किसी को खुशी दे, सुकून दे, प्यार दे, आशीर्वाद दे, किसी की मदद करे, किसी का दर्द दूर करे, किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आए, कोई बहुत कष्ट में हो और उसके कष्ट को कम कर दे, वो अच्छा कर्म हुआ। और बुरा कर्म क्या होता है? वो चीज जिससे किसी को हल्की भी चोट लगे, दर्द हो, तकलीफ हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जब मैं सबसे बात करती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है बुरा कर्म वो होता है जो कोई किसी का खून कर देना, किसी को मार देना, कि बुरे कर्म है। हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, गौर ही नहीं करते। छोटी छोटी बातें, किसी के बारे में बुरी सोच रखना सबसे बुरा कर्म। बाहर से अच्छे होना और मन ही मन में उसके बारे में बुरा सोचना। हम जो भी सोचते हैं वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। आप जो सृष्टि को दे रहे हैं वो एनर्जी है। आपके थॉट्स, आपकी सोच भी एनर्जी है। तो जब आप बुरा सोचते हैं तो आपकी कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा जा रही है बाहर? बुरी वाली, नेगेटिव। और जो चीज बुरी है, नेगेटिव है, वो बाहर जाएगी तो वापस भी बुरी ही आएगी, अच्छी वापस नहीं आएगी। तो किसी के बारे में बुरी सोच रखना, बुरे शब्द बोलना, अपशब्द, किसी को चोट पहुंचाना, तकलीफ देना, दर्द देना, किसी की तरफ ईर्ष्या का भाव रखना, क्रोध रखना, ये सब बुरी बातें हैं। कोई भी चीज जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी या कड़वाहट भर रही है वो बुरी है। और कोई भी ऐसी सोच, ऐसी बात जो उसी को दूसरों तरफ भी पहुंचा रही है उस एनर्जी को, वो और भी बुरी बात। क्योंकि आपकी जो गलत सोच है वो दूसरे को भी कोई तो दर्द ही दे रही है, तो वो अच्छी कैसे हो सकती है? अब मैं आती हूँ बाबा के मैसेज पे जो बाबा ने मुझे सिखाया। बाबा ने मुझसे एक सवाल किया था कि आप जब मेरे को मंदिर में मिलने आते हो तो मेरे लिए बड़े सुंदर गुलाब के फूल, कभी बहुत प्यारी माला, बहुत अच्छे अच्छे फूल मेरे लिए लेकर आते हो, पर कभी भी जो सड़क पर फूल गिर जाता है, लोगों के पैरों के नीचे आता है, वो उठा के क्यों नहीं लाते? तो मैंने पापा को बोला, पापा आपके लिए फूल ला रहे हैं, आप हमारे ईश्वर हो, हमारे भगवान हो, आपके लिए मैं ऐसा फूल लाऊंगी जिसके ऊपर लोग सड़क पर चल रहे हैं, मैं तो कभी नहीं लाऊंगी। तो बाबा ने मुस्कुरा के क्या कहा मुझे? बाबा ने कहा यही बात समझने की है कि जब हमारा ये सफर इस शरीर में पूरा हो जाएगा और हम उस पार जाएंगे, अगली जर्नी पे, अगले सफर पर जब हम जाएंगे इस जीवन को पूरा करके, वहां पे बाबा भी एनर्जी फॉर्म में होंगे, हम भी एनर्जी फॉर्म में होंगे, बाबा भी एक ऊर्जा का रूप धारण किए होंगे और हम भी एक ऊर्जा के रूप में होंगे, हम बाबा के बहुत करीब होंगे। मैं तो इंतजार करती हूँ कभी कभी कि कब मैं जाके बाबा को मिल सकूं उस तरफ। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी वहां होऊंगा, आप भी वहां होंगे, और उस समय आपका ये मन करेगा कि मैं दौड़ के, बस उड़ के चले जाऊं और अपने बाबा के अंदर समा जाऊं, क्योंकि मैं तो आपके इतने करीब होऊंगा। जब हम शरीर रूप में होते हैं तो हम बाबा को मूर्ति में देख सकते हैं, पर ऊर्जा की तरह बाबा को एक्सपीरियंस कर पाना, अपने पास उनका एहसास कर पाना, वो एक अलग ही बात होने वाली है। तो बाबा ने कहा कि जब आप आओगे, आपका मन होगा कि मैं बस अपने बाबा में समा जाऊं, पर जब आप मुड़ के अपने आप को देखोगे तो आप वो हजार पंखुड़ियों वाले कमल के फूल हो। अगर आपने बुरा ही बुरा किया होगा तो इतनी सारी पंखुड़ियां जो है काली होंगी, बुरी होंगी, बहुत थोड़ी सी अच्छी होंगी। तो जब आप सड़क से उठा के एक बुरा, टूटा, गंदा, काला फूल मेरे को अर्पण नहीं करते, अपने आप को मुझ पर कैसे उस टाइम कैसे अर्पण करोगे? क्या सोच से आप अपने आप को मुझे अर्पण कर पाओगे? या आपका अपना मन कहेगा कि नहीं नहीं बाबा, इतनी बुरे हाल में तो मैं आपके पास नहीं आ सकता, ये ठीक नहीं है। मुझे एक भजन याद आ रहा है बड़ा सुंदर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अगर इतनी चादर हमारी मैली होगी तो बाबा के द्वार पहुंच भी जाएंगे, हमारी अपनी हिम्मत नहीं होगी कि हम अपने बाबा के पास जाएं इतनी गंदगी लेके, इतना अपने ऊपर बुराई लेकर।
पर अगर वो कमल का फूल अच्छे काम करके आया होगा, उसकी पंखुड़ियां चमक रही होंगी, खूबसूरत होंगी, एक खुश फूल होगा वो हम जाके अपने आप को जब बाबा के चरणों में अर्पण करेंगे तब जीवन पूरा होगा हमारा, तब हम अपने बाबा में समा पाएंगे। लोग कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, बाबा मुझे आप में समाना है, आपका हो जाना है, पहले अपने आप को तो ठीक करें हम। बाबा ने हमें जो सिखाया है, बाबा कलयुग के भगवान है, उन्होंने इंसान का जन्म इसलिए लिया ताकि वो हमें सिखा सके कैसे जिंदगी जीनी है। बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ अच्छे कर्म किए, किसी गरीब का पेट भरा, किसी की तकलीफ को दूर करा, किसी के दर्द को सुन लिया, किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाया, किसी को तन रखने के लिए कपड़ा दिया। जब हमारे बाबा सब ऐसे काम करते थे, आप ये सब कर रहे हैं क्या? आपने किसी का पेट भरा, किसी का दुख दूर करा, किसी का कष्ट का निवारण करा, किसी को वस्त्र पहनाए। मैं जब बाबा के पास जाऊंगी तो मैं तो पक्का बोलूंगी, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, विद्यादान देते हैं। मैं तो खुश जाने वाली हूँ बाबा के पास और बोलूंगी, बाबा मैं तो किसी बच्चे का जो पेट भरा था उसकी खुशी आपके लिए लाई हूँ, जिसका तन ढका था वो गर्माहट आपके लिए लाई हूँ, जिसको मुस्कान दी थी वो खुशी वो मुस्कान आपके लिए लाई हूँ। मैं तो बहुत कुछ लेके जाने वाली हूँ बाबा के लिए, आप क्या लेके जाने वाले हो ये अभी से सोच लो, अभी भी बहुत वक्त है, क्योंकि उस पार जाने के बाद फिर पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़े, कितने हजारों साल हमें लग जाए अपने बाबा तक पहुंचने में। अब तो मौका हमारे हाथ में है, जो अच्छा करना है अब करो, इंतजार मत करो, कल से करूंगा मैं, जरूर कर लूंगा, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक पल है अगला पल नहीं है, जो अच्छा करना है इस पल से शुरू करो, खुशियां बांटो, प्यार बांटो, वो करो जो आपके बाबा करते थे, जिससे बाबा के चेहरे पे अभी से मुस्कान आ जाए। और सबसे बड़ी बात है, खुश मन से, अच्छे मन से बाबा के लिए, बाबा को अर्पण करके करो, आपके अपने कर्म भी कट जाएंगे, दुख भी दूर हो जाएंगे, जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, आगे आने वाले कर्म भी सुधर जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। जब इतना फायदा है अच्छा करने में, तो हम क्यों नहीं करते? इसे बहुत सारी अच्छाई करिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए और मुस्कुराते रहिए, और बाबा को भी मुस्कुराते ही देखते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।